भारत का संविधान भाग तीन मूल अधिकार स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 19(1) वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को क वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का ख शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन का ग संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अंग भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का और छ कोई वृत्ति आजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। दो खंड एक के उपखंड क की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि विधिरोपित करती है वहाँ तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तीन उक्त खंड के उपखंड ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। चार उक्त खंड के उपखंड ग की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्वान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। पांच उक्त खंड के उपखंड घ और उपखंड अंग की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। छ उक्त खंड के उपखंड छ की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात
एक कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से या तो राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार कारोबार उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 21। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शासित का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। 2. किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। 3. किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।